लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त कलह की खबर सामने आ रही है। मुरादाबाद से एसटी हसन को ही कैंडिडेट बनाने की तैयारी, आजम खान को मनाने की कोशिशें इस बीच जारी हैं। आजम खान मान गए तो रुचि वीरा का टिकट कटेगा। रामपुर से मोहिबुल्ला को ही लड़ाने की तैयारी है, मोहिबुल्ला पर भी आजम की रजामंदी जरूरी है। तो यहां पर बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी में कलह को लेकर। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर इस वक्त जिस तरीके से मंथन हो रहा है, कोशिशें की जा रही है कि अपने ही उम्मीदवार को मैदान से उतारा जाए, इसको लेकर बड़ी खबर है, जहां मुरादाबाद से एसटी हसन को ही कैंडिडेट बनाने की तैयारी है। तो मुरादाबाद सीट पर पेच क्यों फंसा हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। रुचि वीरा को टिकट, अब एसटी हसन बनेंगे कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये जो सीट है वो हॉट सीट भी है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि ये सीट उनके खाते में ही आए, लेकिन इस पे कैंडिडेट्स को लेकर जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, आइए ज़रा जानकारी के लिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर, कहाँ पेच फंसा है? देखिए, एक तरफ आजम खान का दबाव है, उस दबाव के चक्कर में रामपुर और आपको बताऊं कि मुरादाबाद को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ये जो एसटी हसन मुरादाबाद के वर्तमान सांसद हैं, उनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, कल उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद देर रात खबर आई कि आजम खान जिसके लिए चाह रहे थे, यानी रुचि वीरा जो की समाजवादी पार्टी की विधायक रही है, बिजनौर की रहने वाली है, उनको आज नामांकन कराया जाएगा। इधर रामपुर से चल रहा था कि कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आजम खान चाहते थे अखिलेश यादव, बाद में हुआ कि अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी बायकॉट कर देगी। रामपुर की पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी के लाइन से अलग थी, लेकिन अब वहां से ये हुआ कि मोहिबुल्ला नदवी है, जो इमाम है दिल्ली के एक मस्जिद के, उनके बारे में पार्टी ने फैसला किया कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। आजम खान चाहते हैं कि कम से कम इन दोनों सीटों से एक उम्मीदवार उनका अपना हो। तो अभी तक तो यही है कि एसटी हसन, जिन्होंने कल नामांकन किया है मुरादाबाद से, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बने रहेंगे। लेकिन रामपुर में आजम खान के बेहद करीबी जो लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, आप जो बड़ी खबर बता रहे हैं उस पर आगे भी आपसे मैं अपडेट चाहूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें, रामपुर से एसपी के टिकट पर असमंजस जारी है। अभी तक किसी को आधिकारिक टिकट नहीं दिया गया है। नामांकन पत्र खरीदने वाले आसिम रजा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, तो मौलाना मोहिबुल्ला के टिकट पर बोले हैं आसिम राजा, कोई लेटर है तो बताएं। तो कुल मिलाकर दो ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर कलह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। इससे पहले हमने मुरादाबाद में क्या हो रहा है ये आपको बताया, अब रामपुर से खबर सामने आ रही है जहां एसपी के टिकट पर असमंजस जारी है। अच्छा, किस पार्टी से खरीदेंगे? समाजवादी पार्टी। बच्चा खरीदे हैं, अभी हम आएंगे जमा करने आएंगे अभी। अच्छा, किस पार्टी से खरीदेंगे? समाजवादी पार्टी। बच्चा खरीदे हैं, अभी हम आएंगे जमा करने आएंगे अभी। तो इस बीच सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुक करते हैं। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं, अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद।
कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम बातें करते हुए ये कहा गया कि हमारे यहाँ जो रेड की गई वहां पर मात्र 73,000 रुपए मिले। इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर जब रेड की गई ईडी की तरफ से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना ही संजय सिंह के घर पर जब रेड हुई तो कुछ भी हाथ लगा। 28 मार्च को कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे अरविंद केजरीवाल, बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, और साफ तौर पर कहा है कि कथित शराब घोटाले का कोई पैसा नहीं मिला है, बावजूद इसके जेल में रखा जा रहा है इन लोगों को। अरविंद केजरीवाल सच्चे और साहसी व्यक्ति हैं, उनकी अच्छी सेहत की कामना कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा ये कहते हुए कि भले ही उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आपके साथ। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कल भी तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी किस तरीके से यहां पर दिल्ली सचिवालय को घेरने की कोशिश की जा रही थी, और इस बीच देखिए एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है, और इस बीच तस्वीरें अलग अलग प्रदर्शन की आ रही है। बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। तो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय का रुख किया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। हालांकि अलग अलग इलाकों में हम बैरिकेडिंग पहले से ही देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी जा रही है। बावजूद इसके आप देख रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए अब आम आदमी पार्टी दफ्तर का रुख कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी यहाँ हो रही है दिल्ली में, बीजेपी का ये प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें आपके सामने। इससे कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले का पैसा कहाँ है ये अब तक ईडी नहीं बता पाई है, और अब तक हुई रेड में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। ऐसे में उनकी तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी तमाम जो पक्ष है, बातें हैं, वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी 28 मार्च को। और इस बीच बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरी होने के बाद फिर से सुनवाई शुरू। गिरफ्तारी, ईडी रिमांड को इसमें चुनौती दी गई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए हालांकि वक्त मांगा है, ईडी ने कोर्ट से 3 हफ्तों का वक्त मांगा था। ये सीधे रुख करते हैं पीयूष पांडे का, कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, और उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से विपक्ष को कमज़ोर कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए। और साथ ही उनकी ओर से मांग की गई कि इस मामले पर जो याचिका लगाई गई है उस पर तत्काल आज सुनवाई कर ली जाए। ईडी को इस मामले में 2 या 3 हफ्ते का वक्त नहीं दिया जाए जवाब दाखिल करने के लिए। तब कोर्ट की ओर से कहा गया कि नहीं, इस मामले में अगर दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया तो फिर पूरी तरह से इंसाफ नहीं हो पाएगा, फैसला सही अदालत नहीं दे पाएगी। और सारी स्थितियों पे जब कोर्ट गौर कर रही थी तो बार बार लगातार वर्चुअल हेयरिंग में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी, और अचानक जो ईडी की तरफ से एसवी राजू जो वकील हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो जो पेश हो रहे थे उनकी वर्चुअल हेयरिंग में दिक्कत आ गई, तो हाई कोर्ट ने 10 मिनट के लिए ये सुनवाई को टाल दिया है अभी, और 10 मिनट बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। और लगातार जो आर्गुमेंट्स हैं वो चल रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर आज ही
हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर ले और ईडी का पक्ष भी सुन ले और इस मामले पर फैसला भी दे दे, लेकिन हाईकोर्ट ऐसा करने को फिलहाल राजी नहीं है। जी मैं चाहूंगी पीयूष हमारे साथ लगातार बने रहे। पीयूष, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये दे रहे हैं कि 10 मिनट के लिए एक बार फिर से सुनवाई टली है, क्योंकि वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, ऐसे में कुछ टेक्निकल परेशानी आने की वजह से 10 मिनट के लिए सुनवाई टली है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि इस पूरे मामले में आज ही कुछ आदेश जारी कर दिया जाए हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि अपने लिए राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इस पूरे मामले में। लेकिन इस बीच विधानसभा का चूंकि खास सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया और वहां पर मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे हुए तमाम विधायक, तो ऐसे में रुक करना चाहूंगी सुमन कुमार का, वहीं पर मौजूद है। सुमन, इस वक्त विधानसभा में किस तरीके की हलचल? अब बिल्कुल देखिए प्रतिमा, इस वक्त सीधी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, बीजेपी के जो विधायक हैं ये तमाम, अजय महावर, विजेंद्र गुप्ता, रामवीर जी, ये सभी लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो मैं भी केजरीवाल का टी शर्ट पहन के प्रदर्शन किया था, मेरे साथ रामवीर सिंह विधुरी और अजय महावर जी। ये सर किस लिए ये आप लोग, अजय जी क्या आप लोग अब इससे पहले अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करें, आप लोगों की क्या मांग? देखिए अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं और वहां से जेल से गलत चिट्ठियां बता करके यहां पर दिल्ली की जनता को भरमाने का प्रयास आतिशी और सौरभ भारद्वाज और सुनीता जैसी लोग कर रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल में नैतिकता तो बाकी रही नहीं, पद ललुता, सत्ता ललुता साफ साफ दिख रही है। और एक बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, रोजमर्रा के काम बंद हो गए हैं, दिल्ली की विकास यात्रा ठप हो गई है और दिल्ली अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री से महरूम है, जो ये चिट्ठियां दिखा दिखा कर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। सच मायनों में ईडी की कस्टडी में कोई चिट्ठी लिखी नहीं जा सकती, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। रामवीर सिंह विधुरी जी इस वक्त हमारे साथ, रामवीर जी आप लोग तमाम लोग प्रोटेस्ट करें, क्या मांगे आप लोगों की? अरे भाई अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए, वो ईडी की हिरासत में है। अभी तो एक मामला सामने आया है, अभी तो एक दर्जन और मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है और इस शहर को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। एक और जहां आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक करें कि केजरीवाल एक सोच है, एक आइडिया है, एक को पकड़ोगे तो हजार खड़े हो जाएंगे। अरे आप मुझे बताइए ना, उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतने लंबे समय से जेल में है, उनके MP जेल में है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है, उनको कोई जमानत नहीं मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी वही आरोप है। अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले का मुख्य सरगना है। ये बताइए आपसे मैं सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है कि आप लोग लगातार बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, आपको क्या लगता है आखिर आम आदमी पार्टी का तो स्टैंड साफ है कि जेल से सरकार चलाएगी? ठीक है, तो सुमन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि पहले आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक विधानसभा में पीले रंग की टी शर्ट पहनकर मैं भी केजरीवाल जिस पर लिखा हुआ था, हाथों में बेड़ियां लगाए हुए पहुंचे विरोध जताने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, और इस बीच अब बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। बड़ी खबर इस बीच बता दें, ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद CBI मांगेगी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी, सूत्रों के से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां हिरासत खत्म होने के बाद ईडी कल केजरीवाल को कोर्ट पे पेश करने वाली है, ईडी कल अरविंद केजरीवाल की आगे की हिरासत की मांग करेगी, यानी हिरासत उनकी कस्टडी उनकी बढ़ा दी जाए, इसकी मांग ईडी की तरफ से की जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सीबीआई भी कस्टडी की मांग कर सकती है। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। जितेंद्र, यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को बाय हुक और कुक जेल में ही रखना होगा ताकि जांच इस पूरे मामले की पूरी हो सके, इसकी तैयारी पूरी की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। 7 दिन तक ईडी ने पूछताछ की है शराब घोटाले मामले में, लेकिन अब जैसे ही कल पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि दरअसल सीबीआई अपने केस में अरविंद केजरीवाल की रिमांड की डिमांड करेगी कोर्ट से। सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में साल 2022 में मुकदमा दर्ज किया था शराब घोटाले को लेकर, और उसी FIR को सीबीआई के आधार बनाते हुए ईडी ने अपनी ECIR दर्ज की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई की कस्टडी में जाना पड़ेगा और उसके बाद सीबीआई आगे ही पूछताछ करेगी। जी
तो कुल मिलाकर अपने लिए हालांकि राहत की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन यहां पर बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि सीबीआई भी कस्टडी की मांग कर सकती है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में सियासत और तेज हो जाएगी जितेंद्र, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बड़ा झटका होगा अगर कस्टडी एक बार फिर से ईडी को दे दी जाती है, रिमांड बढ़ा दी जाती है तो। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्लान पूरा तैयार कर रखा है कि आखिरकार किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रोटेस्ट रोड सड़कों पर हो रहे हैं उस तरीके उसको आगे किस तरीके से बढ़ाना है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव के दौरान अगर इसी तरीके से रहा तो जो राजनीतिक माहौल है वो जरूर गर्माएगा और अरविंद केजरीवाल को एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब कुछ दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है। जी, ईडी सूत्रों के हवाले से क्या कोई खबर मिल पाई है कि अब तक की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से जो हुई है उसमें क्या कुछ उन्हें पता लग पाया है, किसी तरीके का सहयोग हुआ है नहीं हुआ है? बिल्कुल, देखिए पिछले 7 दिनों की पूछताछ में ईडी ने तमाम जो साक्ष्य और सबूत जो ईडी ने अब तक जुटाए थे उन तमाम सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल जो ईडी के पास मौजूद थी रिश्वत के पैसे की, उस मनी ट्रेल से उनका आमना सामना करवाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब, जो हमारी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि कोई भी स्पष्ट जवाब अभी ईडी को नहीं दिया है। ऐसे में सीबीआई की जांच करना बेहद जरूरी है, तो ऐसे में सीबीआई की कोशिश होगी कि कल अरविंद केजरीवाल की रिमांड एप्लीकेशन लगाकर वो रिमांड पर ले और सीबीआई भी इस मामले में आगे की तफ्तीश को आगे बढ़ाए। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा।